हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो, आई एम योर टीचर भारती पाठक। As you know, in my previous video, I told you about acid, base and their difference. Now I will tell you about only acid and their types. The word acid is derived from the Latin word acidus. जो acid words हैं, वो Latin word acidus से आया है. और acidus का मतलब होता है sharp, मतलब खट्टा. और ये जो एग्जाम्पल है ये सारे एसिड के ही हैं. ओके, अब मैं देखो एसिड की एक तो मैंने करेक्टरिस्टिक बताई दिए कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं. मतलब जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं वो होते हैं एसिड्स. ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ एसिड्स. अब मैं तुम्हें टाइप ऑफ एसिड्स के बारे में बताती हूँ. एसिड आर टू टाइप्स. एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है वीक, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग. अब देखो वीक एसिड्स क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं उनके बारे में बता देती हूँ. ऐसे एसिड्स जो नेचुरली बनते हैं, है ना, ऐसे एसिड जो नेचुरली बनते हैं. और उसके अलावा ये कार्बन के कंपाउंड्स भी होते हैं, ऐसे एसिड्स को हम वीक एसिड बोलते हैं. ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं. अब इनऑर्गेनिक क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही है, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है और नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ. इनऑर्गेनिक मतलब ये होता है कि ऐसे पदार्थ जो नेचुरली नहीं होते हैं, केमिकल से बने होते हैं. ठीक है, इनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक. ठीक है, मतलब ऐसी सब्सटेंस जो केमिकल से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक, वो नेचुरली नहीं होते हैं. अब देखो जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल में नहीं पाए जाते, जो प्लांट्स और एनिमल में नहीं पाए जाते एक्सेप्ट हाइड्रोक्लोरिक. हाइड्रोक्लोरिक मतलब एसिड है जो भी क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन ये हमारे स्टमक में पाया जाता है. ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ इसको छोड़ के बाकी जितने भी जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो कहीं पे भी ना प्लांट में ना एनिमल में कहीं पे भी पाया नहीं जाता है. ठीक है, इनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, मतलब केमिकल से बनाते हैं, और वो भी जैसे नेचुरल और इनऑर्गेनिक दोनों की कंपाउंड होते हैं, मतलब दोनों सब्सटेंसेस में मिले होते हैं, नेचुरल थिंग्स भी मिली होती है और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मिले होते हैं. अब देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि सबसे पहले नेचुरल जितने भी एसिड्स हैं उनके नेम और वो किन किन में पाए जाते हैं उनके बारे में. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो गवावा, आमला, चिलीज इन सब में पाया जाता है. ठीक है, अब बात करते हैं हम सिट्रिक एसिड जो कि ऑरेंज और लेमन में पाया जाता है. अब नेक्स्ट है अपना डाइटरिक एसिड जो कि ग्रेप्स, टर्मिनेट, गूसबेरीज, है ना, इन सब में. इसका मतलब वो टर्मिनेट मतलब होता है इमली. ठीक है, अब ऑक्सेलिक एसिड मतलब टोमेटो में पाया जाता है. लैक्टिक एसिड वो सॉर मिल्क मतलब ऐसे मतलब खट्टा दूध, मतलब अपन इसको दही भी बोल सकते हैं, कर्ड. ठीक है, सॉर मिल्क की जगह तुम कर्ड भी लिखो तो भी
सही होगा। अब मैलिक एसिड वो पाया जाता है एप्पल में। एसिटिक एसिड वो पाया जाता है विनेगर, विनेगर मतलब होता है सिरका, है ना। अमीनो एसिड जो कि पाया जाता है प्रोटीन्स में, ठीक है। अब देखो कुछ इन ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बता देती हूँ और उनके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं सामने। तो ये फॉर्मूले किस तरीके से बने हैं इसके बारे में डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, बट आज मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि ये किस तरीके से होते हैं और क्या इनका नेम है और कौन से इसके फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले तुम्हें ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl, मतलब ये हाइड्रोजन और क्लोरिक, है ना, इन दोनों से मिलकर बना है। और कैसे बना है वो मैं आगे डिटेल में मैंने बोल ही दिया है कि आगे अपना चैप्टर यही है, तो मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बता दूंगी डिटेल में। सल्फरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO4, नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3, फॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H3PO4, अब है परक्लोरिक एसिड मतलब इसका फॉर्मूला है HCl4, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में मैं तुम्हें नेक्स्ट जब भी अपना चैप्टर होगा तब बताऊंगी, ओके। आई होप तुम्हें ये सब कुछ समझ आया होगा। अब तुम्हारा जो होमवर्क है वो ये है, तुम्हें आज स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स इनके नेम लिखने हैं, ओके। हैव अ गुड डे, टेक केयर, टाटा बाय बाय।